हेलो फ्रेंड, नमस्ते। शिल्प रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा और बहुत ही जल्द बनने वाला नाश्ता, जो कि बेसन और सूजी और आलू से बनेगा। बहुत ही टेस्टी बनता है चटपटा, जो बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। चलो मैं अब नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं ये सामग्री बताती हूँ क्या क्या ली है मैंने। ये मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है और ये 2 आलू मीडियम साइज के बॉयल किए हुए कद्दूकस किया है, और ये 50 ग्राम सूजी है, और ये धनिया पत्ती, ये चटनी के लिए धनिया है, ये पुदीना पत्ती चटनी के लिए, ये प्याज भी चटनी के लिए, और ये कच्चा आम 1 लिया है मैंने चटनी के लिए, और ये लहसुन, और ये थोड़े तिल के दाने हैं सफ़ेद, ये हरी मिर्च, ये जीरा और नमक, और ये हींग। और ये हरी मिर्च के 2-2 टुकड़े करके मैं ग्लेंडर से बारीक करूँगी, और इसमें लहसुन भी डालूँगी, और इसमें धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ। अब फिर दोबारा से ग्लेंडर को से बारीक करूँगी इसको। अब ये अच्छे ढंग से बारीक हो गया है। इसमें धनिया पत्ती, मिर्च और लहसुन। अब ये बेसन का घोल बनाऊँगी और इसमें सूजी को भी डालूँगी। इसी में ये आलू का पेस्ट जो रखा है इसको भी डालूँगी। ये फ्रेंड 2 आलू का है, मीडियम साइज के आलू थे। अब इनको अच्छे ढंग से मैश करना है। अब इसमें ये जो पेस्ट बनाया धनिया मिर्च और लहसुन का, इसको भी डालूँगी, और इसमें स्वाद अनुसार नमक। इसमें आप कोई भी सब्जी घर में पड़ी हो डाल सकते हैं, जैसे वो शिमला मिर्च है और गाजर है, बीन्स है, कोई भी सब्जियां बारीक बारीक करके डाल सकते हो, पर हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, ऐसे इसमें डाल सकते हो। और इसको धीमे धीमे पानी से घोल को बनाना है, जो इसकी कोई गुठली न रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाना है। अब इसी में मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालती हूँ। हल्दी को भी अच्छे ढंग से मिला लेना है। अब कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस को ऑन करती हूँ, और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल को डालूँगी। तेल ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, छोटा सा 2 चम्मच तेल को डालती हूँ। तेल गरम हो गया, इसमें हींग और जीरा को डालती हूँ। अब जीरा और हींग अच्छे ढंग से चटक जाए, फिर इसको ये जो घोल बना के रखा है वो डालूँगी। फ्रेंड मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा पानी और पड़ेगा, तो जो ये बर्तन है इस डाल के थोड़ा सा और पानी डालूँगी। अब इसको धीमे धीमे चलाते रहना है, और गैस को मीडियम साइज जलाना है, हल्का। इसको बहुत धीमे धीमे पकाना है, जो अच्छे ढंग से ये पक जाए, और चलाते रहना है। ये नाश्ता हमारी माँ बहुत बनाती थी, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है ये। इस नाश्ते में हींग का बहुत ज़रूरी है डालना। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, और जैसे ही ये कढ़ाई में छोड़ने लगेगा तब ये पक जाता है। गैस को तेज नहीं करना है, गैस धीमी ही रखना है।
जब तक पकाना है ऐसे कढ़ाई में नीचे से कढ़ाई को ये छोड़ने लगेगा जब तक पकाना है। अगर ज़रा सा कच्चा ये रह गया तो फिर ये जमता नहीं है, पीस नहीं बनता है इसका। ये नाश्ता जब भी मन करे जब खाएं, यह हर वक्त अच्छा लगता है। कभी भी हल्की फुल्की भूख में भी ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और पौची पाचक वाला नाश्ता होता है, एकदम हजम भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसमें। अब ये कढ़ाई से छोड़ने लगा कढ़ाई को, अब ये जमने के लिए परफेक्ट हो गया है। देखिए इस तरीके से कढ़ाई को ये छोड़ने लगता है नीचे से। गैस को बंद करती हूँ, अब इसे एक थाली में फैला देती हूँ जमने के लिए। थाली में मैंने हल्का सा घी को लगा दिया है, अब इसको अच्छे से फैला देना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज का। और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे कोई पंखा और फैन की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी रख दो 5 मिनट के लिए जम जाता है। अब इसे जमने के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक मैं इसके लिए चटनी बनाती हूँ। चटनी के हरी धनिया है बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, और ये पुदीना ये धुल के साफ करके रखा है मैंने। अब ये प्याज है इसको भी मैंने वॉश करके रखा है। ये कच्चा आम है, एक आम है इसको भी छील के धुल के रखा है। और ये तिल है, तिल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चटनी में, बहुत अच्छी लगती है। और ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने 5-6 मिर्च डाल दिया है। और तिल से क्या होता है, क्योंकि तिल डालने से चटनी में पानी नहीं छोड़ता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है चटनी में। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, अब इसको मैं चटनी को अच्छे ढंग से पीस लेती हूँ। तो ये जम गया है, अब इसको मैं चाकू से काट लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा जमा है, थाली में अपने आप से निकलने लगा। ये देखिए कितना अच्छा पीस निकल रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट एकदम। इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। मेरी मम्मी बनाती थी तो हम लोग ऐसे ही खाते थे, पर अब मैं इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। अब इसको मैं कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालूंगी और फ्राई करूंगी इनको। अब गैस को धीमी ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है, बनाते समय भी नहीं और फ्राई करते समय भी नहीं। अब इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से जितना खाने हैं उतना फ्राई कर लो, बाकी की फ्रिज में रख दो, फिर जब मन करे 1-2 दिन में तब फिर फ्राई करके खा लो। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितने देखने में अच्छे उतने खाने में भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए सारे पीस मैंने तल के रख लिया, और ये हरे पुदीना और आम की चटनी इसके साथ खाने में, ये देखिए दबा के कितने सॉफ्ट, तोड़ के भी एकदम मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं चटपटे। और इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और हरी चटनी के साथ, और बगैर फ्राई वाला भी खा सकते हैं। फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो ज़रूर ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब मैं मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।